इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पब्लिक की ऑफ बी मैं प्राइवेट की ऑफ ए के जरिए अगर ये काम करूं तो इसी को हम ऑथेंटिकेशन बोलेंगे. सो इफ आई यूज माय प्राइवेट की ओवर आरएसए एंड आई गेट एक्स देन दिस एक्स विल कैन बी यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पसेस. इफ आई इनपुट पब्लिक की ऑफ समबडी एंड आई इनक्रिप्ट इट देन दिस डेटा कैन ओनली बी रेड बाय द पर्सन हु हैज गॉट द कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइवेट की. तो हम क्या कर सकते हैं, पहले स्टेप के ऊपर हम अपनी प्राइवेट की के जरिए एक्स कैलकुलेट करें और उसको साइड पर रख लें. दिस इज माई ऑथेंटिकेशन डेटा. उसके बाद सेकेंड स्टेप पर मैं इस एक्स को दोबारा इनपुट करूं इस आरएसए एल्गोरिदम में सेकेंड स्टेप के ऊपर और मैं दूसरी पार्टी की पब्लिक की इस्तेमाल करूं तो मेरे पास जो डेटा निकलेगा दैट विल बी वाई एन एनक्रिप्टेड आउटपुट. सो वाई इज एन एनक्रिप्शन आउटपुट. इन दोनों को हम आपस में क्लब करके सेंड कर सकते हैं टूवर्ड्स बी. अब बी के पास इस डेटा में यहां पे ओरिजिनल मैसेज पड़ा हुआ है जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है और यहां पर उसके पास उस मैसेज को वेरीफाई करने की ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है कि जैसा भेजा गया था वैसा ही है कि नहीं. नाउ हाउ कैन बी वेरीफाई, हाउ कैन बी साइड वेरीफाई दिस डेटा. बी ने ये करना है कि उसने आरएसए एल्गोरिदम के अंदर जो उसको मैसेज मिला है विच इज लेट से एक्स एनक्रिप्शन के नतीजे में उस एनक्रिप्टेड मैसेज को आरएसए में इसे गुजारना है और यहां पर उसने पब्लिक की ऑफ ए यूज कर लेनी है. तो यहां पर जो आउटपुट निकलेगी वो वाई होनी चाहिए क्योंकि अगर आपने यहां पे मैसेज को एनक्रिप्ट करके उसका हैश कैलकुलेट किया पहले एक्स का वाई में तो ये जो हैश वैल्यू है एक्स मैसेज की ये आपने अपनी प्राइवेट की से कैलकुलेट की थी. तो जब आपने अपनी प्राइवेट की से हैश कैलकुलेट किया था या वैल्यू कैलकुलेट की थी तो वो आपकी पब्लिक की से वेरीफाई होगी. सो यू विल सेंड एक्स इनटू आरएसए एंड इफ यू गेट वाई आउटपुट आप इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेंगे. अब आपकी जो ये वाई आउट डेटा आपका साथ में आ रहा है आप इसको डिक्रिप्ट करेंगे. सो यू विल यूज वाई, यू विल पुट इट इन आरएसए. इधर अब आप अपनी प्राइवेट की यूज करेंगे प्राइवेट की ऑफ बी एंड यू विल अनलॉक द ओरिजिनल मैसेज. अब आपने ये देखना है कि ओरिजिनल मैसेज का हैश और रिसीव मैसेज का हैश इक्वल है. अगर इक्वल है तो उसमें टेम्परिंग नहीं हुई हुई और ये एग्जैक्टली वही चीज है जो हमने एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के स्टार्ट में भी डिस्कस की थी. सो सेंडर साइंस द मैसेज यूजिंग देयर प्राइवेट की देन इनक्रिप्ट्स विद रेसिपिएंट्स पब्लिक की. दिस वे यू हैव बोथ सीक्रेसी एंड ऑथेंटिकेशन मीन्स मॉडिफिकेशन प्रोटेक्शन. बट वॉट इज द इशू ऑफ यूजिंग एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी फॉर दिस पर्पज. इशू इज है तो ये सिक्योर बट आपको पब्लिक की को बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो अगेन वही बात, अगर आप बल्क डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं तो बल्क डेटा ट्रांजेक्शन के अंदर जब आप एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज करेंगे तो आपके जो सीपीयूज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्पाइक आएगी. So once in a blue moon we can use this technique. Once in a blue moon we can use this technique for authentication purposes. It is highly secure if the public key is secure, securely exchanged. और अगर आपकी public key securely exchanged नहीं है यानी आपने proper trust based key का तबादला नहीं रखा हुआ तो फिर आगे वाली चीज भी सारी की सारी compromised होगी. Assuming के पब्लिक की सिक्योरली एक्सचेंज हो गई है तो आप इसके ऊपर कॉन्फिडेंस रख सकते हैं बट अगेन इसको हम बल्क डेटा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. So, इसका मतलब यह हुआ कि
सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में भी मसाइल हैं, वी कैन नॉट यूज इट फॉर ऑथेंटिकेशन, वी कैन नॉट यूज एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी फॉर बल्क ऑथेंटिकेशन ऑफ डेटा। तो किया क्या जाए फिर किया ये जाए कि हम मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स जनरेट कर लें। हम एक ऐसा एल्गोरिदम बनाएं, वी क्रिएट एन एल्गोरिदम जो कि स्मॉल फिक्स्ड साइज के ब्लॉक्स की आउटपुट क्रिएट करे। यानी एल्गोरिदम के अंदर हम वेरिएबल मैसेज साइज इनपुट करें और वो आउटपुट में हमें एक फिक्स्ड साइज कोड दे दे। इस कोड को हम ये तसव्वुर कर लें कि ये कोड हमारे डेटा की वेरिफिकेशन का बायस बनेगा। ये हमारा वेरिफिकेशन कोड है, जिस तरह ओटीपी आते हैं आपको कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करने लगे तो आपको एक ओटीपी भेजा जाता है, वो वेरिफिकेशन कोड अगर आप यूज करेंगे और वो टैली हो जाएगा तो एज्यूम कर लिया जाएगा कि आप ही हैं। सो बिल्कुल उसी तरह ये एक वेरिफिकेशन कोड क्रिएट करते एल्गोरिदम हमें अगेंस्ट दिस डेटा। इसकी आउटपुट हमेशा फिक्स साइज की होगी, इनपुट डेटा जितना मर्जी हो वेरिएबल साइज का हो। सो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड जनरेट करने वाले हमारे पास एल्गोरिदम्स होने चाहिए। नतीजतन हम क्या करेंगे कि हम मैसेज के साथ उस वेरिफिकेशन कोड को, उसको सिग्नेचर कह लें, उसको डाइजेस्ट कह लें, उसको अपेंड करेंगे। रिसीवर विल परफॉर्म द सेम रिवर्स कंप्यूटेशन ऑन मैसेज एंड चेक्स इफ द सेंट मैच मैचेस एंड इट प्रोवाइड्स एश्योरेंस दैट द मैसेज इज अनऑल्टर्ड एंड कम्स फ्रॉम द सेंडर। क्योंकि अगर मैंने एक मैसेज को एल्गो में से गुजार कर फिक्स साइज आउटपुट जनरेट कर ली है, अगर इस इनपुट मैसेज में कोई रद्दो बदल करेगा तो नेचुरली वो एल्गोरिदम कभी भी वो सेम कोड दोबारा प्रोड्यूस नहीं करेगा। फॉर एनी इनपुट changed input, you will always get changed output of fixed size code. Hence, अगर data में रास्ते में man in the middle ने कोई तब्दीली कर दी है तो कभी भी आपके end पर जब आप इसको reverse verify करेंगे आपका code equal नहीं निकलेगा। जब equal नहीं निकलेगा तो आप उस data को ignore या discard कर सकते हैं। सो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड में आगे चॉइस आ जाती है, ये बगैर की के भी चल सकते हैं और इस एल्गोरिदम के अंदर की भी हो सकती है। इट रियली डिपेंड्स कि आप कौन सा एल्गो यूज कर रहे हैं। सो इट मे डिपेंड अपॉन द मैसेज कंटेंट एज वेल एज सम की, बट दिस इज ऑप्शनल, दिस इज नॉट मैंडेटरी। सो लाइक इंक्रिप्शन, इट इज लाइक इंक्रिप्शन बट इट इज नॉट रिवर्सिबल। यानी किसी के पास ये हो तो वो इससे वापस ये डेटा नहीं प्रोड्यूस कर सकता। साफ पता चल रहा है कि अगर आप इनपुट करते हैं 2 मेगाबाइट्स का डेटा और आपको आउटपुट के अंदर एक कोड मिलता है 128 बिट्स का, तो इन 128 बिट्स से वापस आप 2 MB तो नहीं निकाल सकते, बिकॉज ला मुहाला यहाँ पर कंप्रेशन अप्लाई हो रही है। सो कंप्रेशन ऐसी कंप्रेशन है जो इररिवर्सिबल है, उससे ओरिजिनल डेटा डीकोड नहीं हो सकता। That can only be used for verification purposes. This should be the crux of such algorithms. So, message authentication codes कैसे काम करते हैं? Message authentication code में आपका जो MAC algorithm है, उसके अंदर आप key add करेंगे और इस key और message को आप combine करेंगे, resultantly आपको MAC मिलेगा। This MAC is of fixed length. Data is of variable length. So, नतीजतन आप message को as it is रख के और उसके साथ हम MAC connect करके इन दोनों चीजों को आप receiver की तरफ भेज देंगे। Receiver message को strip off करेगा, उस message को same algo और same key से गुजारेगा और उसके पास एक MAC निकलेगा। वो कंपेयर करेगा उस मैक को रिसीव मैक के साथ, अगर इक्वल है तो डेटा मॉडिफाई नहीं हुआ, अगर अनइक्वल है तो डेटा मॉडिफाई हुआ है।
ऐसा कोई भी एल्गोरिदम जो इस टेक्निक पर वर्क करे दैट इज कॉल्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम एंड इट प्रोड्यूसेस अ मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। इस काम के लिए हम वही बात कि हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के साइक्लिक ब्लॉक साइफर्स को भी यूज कर सकते हैं एंड वी कैन क्रिएट स्पेशलाइज्ड एल्गोस एज वेल। Either you use same encryption algorithms to do this job or you use specialized algorithms, but resultantly you can get a message authentication code, a verification code.